छत्तीसगढ़ में कथित पीडीएस घोटाले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने प्रदेश सरकार से पीडीएस मामले में अब तक हुई जांच, वसूली और दोषी अफसरों पर कार्रवाई को सार्वजनिक करने की मांग की है। संदीप शर्मा ने कहा कि 600 करोड़ रुपए के इस पीडीएस घोटाले को विधानसभा में स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार के विधानसभा की कमेटी के बजाय अधिकारियों से जांच कराने की बात कही थी। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यह मामला उठाया था और अतिशेष स्टॉक को लेकर खाद्य विभाग और जिला प्रशासन के आंकड़ों में उतर होने की बात कही थी। विधानसभा में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया था कि 4,952 राशन दुकानों में 41,000 टन चावल की कमी पाई गई है। खाद्य मंत्री भगत ने सदन को 24 मार्च 2023 तक सभी जिलों की कार्रवाई पूर्ण कर विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश की जानकारी भी दी थी। पीडीएस के चावल घोटाले को लेकर के और विधानसभा में प्रश्न उठाए गए और ये 600 करोड़ के घोटाले का मामला था और घोटाले को विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया था और दुर्भाग्य ये है कि इन्होंने उन्हीं अधिकारियों से जांच कराने की बात कही जिन्होंने भ्रष्टाचार को किया है। कुछ जांच कराने के बाद कुछ वसूली की बात ये भी स्वीकार करते हैं, तो प्रश्न ये है कि कितनी की वसूली इन्होंने किया।